अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। बड़ी प्यारी मॉर्निंग है। ये बहुत प्यारा एक आइलैंड है जिसको हम कनेरी आइलैंड कहते हैं, और ये स्पेन का कनेरी आइलैंड है। और ये इतना प्यारा है जैसे वो ग्रीस का सेंटोरिनी है, द सेम लाइक दिस एंड रियली लुकिंग फैबुलस प्लेस। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा सुबह का नज़ारा दिखाऊं, ये हमारे सर पे सूरज सवार और सुबह सुबह हम तैयार हो गए हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, मैं बाहर बैठी चाय पी रही हूँ। ये हमारी चाय है जो हमने अभी खुद बनाई है और ये मैं हूँ एज़ यूजुअल। आज मैं यहाँ सनग्लासेस ज़रा डिफरेंट वाली लेके आई हूँ, स्नॉगलिंग टाइप, लेकिन अच्छी है ये। स्नॉगलिंग तो नहीं है, स्नॉगल्स तो नहीं है, लेकिन ऐनक का साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं बीच के लिए लेके आई थी। मैंने कहा बीच पे जाना है तो अच्छा लगेगा, तो लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और इतना ही मज़ेदार जगह है। और ये देखें, वाओ वाओ, ये मैं अब आज हम निकलने लगे हैं। आज मेरे साथ आप पूरा लंजरोते देखिएगा, लंजरोते का विज़िट कीजिएगा। और प्लीज़ इतनी प्यारी जगह दिखाने के लिए तो सब्सक्रिप्शन और लाइक्स और व्यूज़ तो बनते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरी वीडियोस को और मेरे व्लॉग्स को शेयर करें। और ये एक एनर्जेटिक बूस्ट होता है, तो प्लीज़ हम आपको दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी देर तक, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज का व्लॉग लंबा होने वाला है, ऑब्वियसली इतनी जगह पे जाना है। तो ले फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। जी मैं आ गई और बड़ी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, वाओ। और मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखाया जाए। मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ मुझे भी नहीं पता। इट्स रियली 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 फैबुलस प्लेस। और क्या कहूँ इस जगह के बारे में, क्योंकि हमेशा डेस्टिनेशन की जो जगह होती है वो मैं सेलेक्ट करती हूँ। फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। ये देखें, ये पूरा पाथ बना हुआ है। रात में तो नज़र नहीं आ रहा था ना, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर आप चलते जाएँ बीच है साथ साथ। और ये रिजॉल्ट इतना बड़ा है कि आपकी सोच भी नहीं है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं, क्योंकि आज का व्लॉग बड़ा होने वाला है, लंबा होने वाला है। मैं खड़ी हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा आपको दिखाएं, बहुत प्यारी जगह है। ये देखिए भाई, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब कहो फैमिली फ्रेंड्स को और माशाल्लाह कहो माशाल्लाह। देखो मैं कैसी कैसी चीज़ें दिखा रही हूँ, कैसी कैसी चीज़ें दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह बोलो सारे, जल्दी से माशाल्लाह बोलो भाई, ज़बरदस्त, जल्दी जल्दी माशाल्लाह बोलो। ओ जी खान जी भी आ गए आज, ओ ये तो मौजा हो गया खान जी खुद ही से आ गया। अस्सलाम वालेकुम खान जी, क्या हाल है खान जी? बहुत अच्छी जगह है ना, मजा आ रहा है ना, पैसे पूरे हो गए ले फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें। ये देखें जी, ये मेहनतें होती हैं, इस तरह आपको सारा कुछ लाना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत 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 मुश्किल काम है। गंद बहुत पड़ गया, ज़री पता है हम लोग आ गए हैं, अब खाने बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो इस टू मच जिसको कहते हैं ना, हैज़ल हो रही है। कोई बात नहीं, लेकिन गंद तो गंद है, वो तो खुद ही उठाएंगे होटल वाले। ले फिर आपको दिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वाओ जबरदस्त, नहीं मैंने बताया ना ये बहुत दूर दूर तक है, जबरदस्त। वाह, ये बहुत हिडन बीच है और इसका नाम मैंने मेंशन किया है, बड़ा चलना पड़ता है फिर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन ये देखिए जी, वाह ये देखें जी, ये ऊपर बीच पे उन्होंने बनाया हुआ एक कैंटीन, और वाओ है वाओ, जबरदस्त। और ये हिडन बीच, वाह वाह जबरदस्त, माशाल्लाह कैसा लग रहा है, नाइस ना। ये जी बीच, वाओ
स्पेन के बीचों की क्या बात है, आगे आगे देखें आपको बड़े बड़े प्यारी जगह दिखाएंगे हम। जबरदस्त, वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। बड़ी बड़ी एहतियात से, रॉक एरिया है और मेरे पाँव का वैसे ही मसला है भाई, आपको पता है ना। ये केव है छोटी सी, बहुत प्यारी अंदर से, इंतहाई प्यारी, बिलीव करें, जबरदस्त जी। ये इनका एक जंक्शन है जिसको हम उर्दू में चौक या चौराहा कहते हैं। ये ऊंट इन्होंने इसलिए लगाए हुए हैं, ये ऊंट बने हुए हैं। और ये देखें, ये इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये ना वो है, क्या कहते हैं उसको, ये देखें, जबरदस्त। अच्छा, ये पता क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि ना इसलिए है कि यहाँ ऊंट चलते हैं, इन्होंने रखे हुए हैं। वो भी एक जगह है, अगर टाइम मिला तो आपको वो भी दिखाएंगे। दुबई दुबई इसलिए करते हैं क्योंकि दुबई में नया नया बना हुआ है। और ये देख लेंगे, नया बना हुआ है लेकिन अभी भी बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन अभी भी नया लगता है। और आपको पता है स्पेन का तो एक एक गांव भी जो है ना बड़ा डेवलप्ड है, और बिलीव करें बड़ा मजे की जगह है, बड़ा ही मजेदार जगह है। पे करके जाना पड़ता है, तो ये हम जा रहे हैं भाई। सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक है, अल्लाह के बंदो, ये देखो, वाओ, ये अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, जबरदस्त किस्म का ना वो केव है जहाँ हम जा रहे हैं। मैं तो आजकल वैसे ही, आपको पता है, लंगड़ी हुई हूँ, इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं और लोग इतने मजे से जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। Oh my God, ये केव है, ये केव के अंदर रेस्टोरेंट है। और ये देखिए जी, वाओ भाई, जे ना वेख दे तो मिस हो जाना सी, वाओ वाओ वाओ, कितने बड़े बड़े कैक्टस है, केव चेक करो यार। केव है, ये हम अंदर बैठे हैं केव के, ऊपर से हम आए हैं, ये देखो जी, वाह। ये इनकी केव है और ये इनका ना स्पेशल पूल है, इसमें कॉइन फेंकना, स्पेशल किस्म के ना इसमें क्रैब्स हैं छोटे छोटे, ये वाइट जो आपको नज़र आ रहे हैं, इस एक स्पेशल एक किस्म है, और ये अलाउ नहीं है इनको तंग करना या अंदर जाना, क्योंकि वेरी रेयर है। एक ये रास्ता भी बड़ा डेंजरस है। और ये देखिए जी, मैं तो नाल नाल होके टुरा, मैं तो डर ही बड़ा लग रहा है, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। और ये
ये मैंने आपको सारा दिखाया है। ये देखिए, जबरदस्त। ये जो छोटे छोटे वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्रैब्स हैं। और उन्होंने कहा है कि इसको पानी में फेंकने, दूसरा कोई इसमें कोई चीज़ ना फेंके, क्योंकि इट इज़ वेरी स्पेशल। और यहाँ से हम बाहर जाएंगे, ऊपर नीचे कैमरा हो सकता है, क्योंकि जारी बात है ज़मीन जो फ्लोर जो है वो अनबैलेंस है, बड़ा सोच समझ के चलना पड़ रहा है। ऊपर होल है, आई थिंक यहीं से पानी आता है, कभी बारिश हो या कोई इस तरह का सीन हो। ये देखिए जी, ये इनका स्पेन का लैंज़ारोते का कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, जिसने ये केव और ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है। और बड़ी प्यारी जगह है। ये देखिए, वाव, है ना मज़े की जगह। तो बस मेरे साथ बने रहिए। ये देखिएगा कितने बड़े बड़े कैक्टस हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ कैक्टस बहुत बड़े बड़े हैं, जो आम जगह पे मैंने कहीं भी नहीं देखे। और यहाँ ये देखिए जी, वाव, जबरदस्त। फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। वाओ, माशाल्लाह को सारे, माशाल्लाह को सारे। ये कैक्टस चेक करो, ये जी इनका चर्च बना हुआ है। माशाल्लाह, ये जी हजारों साल पुराना है, हजारों साल। आज का व्लॉग तो बड़ा लंबा होने वाला है भाई, जबरदस्त। वाह, ये स्टेज बना हुआ है। हाल ना पूछो, बहुत गर्मी है, लेकिन जगह बड़ी प्यारी है। फिर आपको आगे आगे दिखाते हैं। ये सब वोल्केनो की हैं, ये लावे के पहाड़ हैं, और ये सारी उसकी राख गिरी हुई है, और उसके ऊपर इन्होंने काट के रोड बना दी है। और जनाब ये बड़ा ही वैसे देखने में डेंजरस है, तो खुदा की कुदरत है। ये जनाब बिल्कुल जो है ना रोड नहीं है, इधर कोई एक छोटी मोटी रोड बनाई हुई है। ये वोल्केनो की राख गिरी हुई है, और ये देखिए अंगूर के सारे पौधे लगा दिए हैं, सारे अंगूर के पौधे हैं, जबरदस्त। मार्केट है, मैं कहती हूँ मीलों में एक मील होगी कम से कम, ट्रा ट्रा के तो काफी है। लंबी मार्केट आपको आगे आगे दिखाती हूँ, बाजार कहता खत्म ही नहीं होना। सब बोल
अल्लाह, ये आज का हमारा इसको कहते हैं हम गार्लिक चिकन है, और साथ ये सैलेड है, और नान तो आपको पता है अभी वो हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो लें, हम खाना खाते हैं, अल्लाह की बरकतें हैं, ये रहमतें हैं, खाना एक रहमत और बरकत है। और प्लीज़ सब माशाल्लाह कहें, और अल्लाह ताला मेरे रिस्क में इजाफा करे, सबके अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा करे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में, तो खाना खाने के बाद फिर हम आपसे इन टच होते हैं। ओके जी, मैं आ गई दोबारा। अब आप मेरी शक्ल के जो ये जो जोग्राफिया चेंज हुए हैं ना, इनसे पता लग गया होगा कि मेरी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। खाना खिला दिया है, आप सब सफाइयाँ कर रहे हैं, मैंने कहा करो बस, अब मैं ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरी बस होगी, क्योंकि खाना लाना यहाँ पर रेडी करके देना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। आखिर मेरी भी तो हॉलीडे है ना भाई। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है, और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी अच्छी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड सबको कहें प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, व्यू करें, और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे बल्कि कमेंट करके बताएं कि जगह आपको कैसी लगी है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हिसाब किताब है भाई, कोई मुझे बताए कमेंट करके कि आप लोग सारे देख रहे हैं, मुझे पता लग रहा है, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि कैसी लग रही है जगह, तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको और मज़ीद अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करके दिखाऊं। अब जहरी बात है खड़कूँ चींचू पाँ लगी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली सफाई हो रही है, सबने खाना खाया है, और मैं तो खाना खाने के बाद मैं कहती हूँ बस अब मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं, मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं दुनिया में ही नहीं हूँ। क्योंकि खाना खाने के बाद मेरी होश और हवास कायम नहीं रहते, मैं टोटल मेरा ना दिमाग आउट है। तो लें, कल एक नया दिन का आगाज़ करेंगे, एक नया व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कल एक नए दिन का हम थीम अच्छी 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 जगहों की बना के आपको दिखाएंगे। तो फिर कल मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।